मेष राशि के जातकों की आज हर क्षेत्र में जीत होगी। धार्मिक कार्य का हिस्सा बनेंगे। पूजा पाठ में मन लगेगा। वाद विवाद से दूर रहें। आज जिस भी काम में निवेश करेंगे उसमें दुगना लाभ मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन धन की आमद में थोड़ा विलंब हो सकता है। व्यवसाय के अतिरिक्त भी आय होने की संभावना है। पारिवारिक वातावरण में थोड़ी कटुता रहेगी, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों में सभी एकजुट हो जाएंगे। सेहत ठीक रहेगी। वृष राशि के लोग आज दिन भर ऊर्जावान रहेंगे। रुका हुआ धन मिलने से प्रसन्नता रहेगी। नए कार्य हाथ में लेना आज शुभ रहेगा और धन धान्य में वृद्धिकारक रहेगा। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च होगा। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। कार्य व्यवसाय में दिन भर का कोटा दोपहर तक में ही पूरा कर लेंगे। इसके बाद भी लाभ होता रहेगा। नौकरी पेशा जातक कार्य क्षेत्र बदलने का मन बना सकते हैं। घर में मामूली बहस के बाद भी स्थिति सुखदायी रहेगी। मिथुन राशि का दिन मिश्रित रहेगा। परिवार में किसी से मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। बौद्धिक क्षमता में विकास होगा। भले बुरे को परख कर ही कोई कार्य करे। छोटी बातों पर अकड़ दिखाने का स्वभाव बना रहेगा, जिससे कुछ न कुछ व्यवधान आ सकता है। व्यवसाय में आपके लिए निर्णय लाभदायक सिद्ध होंगे। आर्थिक पक्ष अन्य दिनों की अपेक्षा बेहतर रहेगा। कर्क राशि का दिन आज विपरीत परिस्थितियों वाला रहेगा। आय से ज्यादा व्यय होगा। दिन के आरंभ में ही परिवार या पड़ोसियों से कलह हो सकती है। इस कलह का प्रभाव दिन भर देखने को मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। कार्य व्यवसाय में उदासीनता दिखाने से होने वाले लाभ में कमी आएगी। परिवार या अन्य किसी से किया वादा पूरा नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण सम्मान की हानि हो सकती है। सिंह राशि का दिन लाभदायक रहेगा। मौज मस्ती पर आज खर्च होगा। घर के बुजुर्गों और कार्य व्यवसाय से अचानक लाभ होगा, लेकिन आज व्यर्थ के खर्च भी बढ़ेंगे। आर्थिक लाभ के योग्य हैं। व्यापारी वर्ग के कुछ दिनों से अटके कार्य आज पूर्ण होंगे, लेकिन परिवार में आज आर्थिक कारण या किसी अन्य वजह से खींचतान रहने की आशंका है। धन की अपेक्षा संबंधों को अधिक महत्व दें, अन्यथा विरोध का सामना करना पड़ेगा। कन्या राशि की मानसिकता आज बिना परिश्रम किए सुख भोगने वाली रहेगी। यह कामना कुछ हद तक पूर्ण भी हो जाएगी। दोपहर तक किए गए परिश्रम का फल शाम तक मिल जाएगा। जोड़ तोड़ कर धन कोष में वृद्धि होगी, लेकिन अचानक खर्च आने से बचत नहीं हो पाएगी। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति मजबूरी में करेंगे। बाहर घूमने का आयोजन होगा। मनोरंजन पर खर्च बढ़ेगा। तुला राशि का दिन शुभ रहेगा। आर्थिक रूप से थोड़ी निराशा हो सकती है। सुबह से ही किसी कार्य को पूर्ण करने की जल्दी रहेगी। धन लाभ में भी विलंब होगा। इसकी वजह से पहले सोचे गए काम अधर में लटक सकते हैं। घरेलू वातावरण आलसी और टालमटोल वाली प्रवृत्ति की वजह से अस्त व्यस्त रहेगा। प्रेम प्रसंगों में अधिक भावुकता मन दुखी करेगी। कार्य क्षेत्र पर किसी गलत निर्णय के कारण आज वृश्चिक राशि को आर्थिक हानि हो सकती है, जिसकी भरपाई में समय लगेगा। विरोधी कुछ समय शांत रहकर अगली चाल की योजना बनाएंगे। सतर्क रहें। स्वभाव में आज व्यावहारिकता रखना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में रुचि न रहने पर भी उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। शाम के समय थोड़ा मनचाहा वातावरण मिलने से मानसिक सुख मिलेगा। धनु राशि वाले आज एक साथ कई क्षेत्रों से लाभ कमा सकते हैं, परंतु आज आलसी प्रकृति रहने के कारण कुछ न कुछ आशा के विपरीत अवश्य होगा। व्यवसायी वर्ग बेहिचक निवेश करें। निकट भविष्य के लिए लाभदायी रहेगा। धन लाभ आवश्यकता के समय होने से ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। आज आप अपनी व्यवहार कुशलता का परिचय हर क्षेत्र में देंगे, पर परिवार में किसी से रूठना मनाना लगा रहेगा। मकर राशि के लोग आज क्रिएटिव तरीके से कार्य पूरा करेंगे। आर्थिक कारणों से किसी की खुशामद भी करनी पड़ सकती है। व्यवसाय से धन लाभ संतोषजनक होगा, लेकिन आवश्यकता के समय न होकर अचानक होगा। घर के बुजुर्ग आपकी किसी बुरी आदत से दुखी होंगे। कुछ समय के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। शाम के समय घरेलू खर्च के साथ ही मौज शौक पर भी खर्च होगा। कुंभ राशि वाले आज का दिन आराम से बिताएंगे। कुछ दिनों से चल रही उलझनें थोड़ी शांत होंगी। सेहत का ध्यान रखें। पार्टी या पिकनिक का प्लान बनेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि रहने से मानसिक शांति मिलेगी।
आज आप घरेलू कार्यों में टाल मटोल करेंगे जिससे परिजन नाराज हो सकते हैं। मनोरंजन के साथ ही आराम के क्षण भी मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। मीन राशि का दिन आज मिलाजुला रहेगा। आर्थिक कारणों से दोपहर तक का समय संघर्ष वाला रहेगा। इसके बाद कहीं से अचानक धन लाभ होने से थोड़ी राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा अधिक रहने से लाभ में कमी आएगी। परिजन किसी कार्य से आपके ऊपर आश्रित रहेंगे। धार्मिक यात्रा के योग हैं।